तो क्या पक्का हो जेली में? ये पक्का और कच्चा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पक्के और कच्चे की क्या डेफिनेशन है चांस से? सेकंड क्वेश्चन ये है कि मारे तेरे की तो बिल्कुल तरह तरह की जेली क्यों है? टीचर तो क्लास में एक ही होता है ना, ये सारे स्टूडेंट्स जितना पढ़ाया जाता है वो सारा पढ़ते हैं नहीं पढ़ते ना, सारा समझते हैं नहीं समझते ना, और सबका एक ही रिजल्ट आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि सबके लेवल्स अलग अलग है। पिताजी ने सबको एक ही बात कह दी, तभी सारे बेटे एक ही बात को एक ही तरीके से समझने वाले नहीं होते। महावीर ने जो कही निरपेक्ष रूप से कही, किसी को समझाने के उद्देश्य से तो कही नहीं, जो उनके सामने प्रश्न आया बोल दिया, बात प्रकट हो गई। लेकिन उस बात को जो लोगों ने समझा, जो आगे से आगे लोगों ने कहा, तब तक वो बात वैसी तो नहीं रही जैसे मावी ने कही। अब समझने वाले ने सबकी व्याख्या अलग अलग रही, तो किसी ने किसी बात के आगे वाले पहलू को पकड़ लिया, किसी ने किसी बात के पीछे वाले पहलू को ज़्यादा जोर दे दिया। अब बातों में से किसी ने कोई हिस्सा ले लिया, कोई हिस्सा ले लिया, कुछ बातें छोड़ दी, कुछ बातें ले ली। इसीलिए सब ने अपने अलग अलग सेक्ट बना लिए, अलग अलग समुदाय बना लिए, संप्रदाय बना लिए। तो महावीर तो एक रहे, लेकिन महावीर के पीछे जो उनको फॉलो करने वाले लोग हैं उनके अलग अलग समुदाय बन गए। क्योंकि बात जो होती है ना, बोला जो जाता है, उस बोली जाने वाली बात की विशेषता होती है कि बात अपने आप में कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। कोई भी बात कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। कह करके बताओ, कोई भी बात जब भी हम कहेंगे, यहाँ समझने के अनेक तरीके रहे, कहने वाले की अपनी एक अपेक्षा रहेगी और समझने वाले की अपनी अपेक्षा है। एक एग्जांपल से समझना, आपको सुबह सुबह एक डॉक्टर मिला और पूछता है हमारी बेटा, ठीक है? सुबह सुबह आपका स्कूल का टीचर मिला, वो पूछता है हमारी, आपका दोस्त मिला हमारी, तीनों का हमारे से, ठीक है ना? और हो सकता है आपके अकाउंट्स को देखने वाला आपका सीए मिला और वो पूछता है हमारी। अब सबका हवाली तो सेम है, लेकिन सबकी अपेक्षाएं अलग अलग है और आपका उत्तर भी सबके लिए अलग अलग होगा। जैसे डॉक्टर ने पूछा है आप अपनी तबीयत के हिसाब से बताओगे, एक दोस्त ने पूछा है अपने मूड के हिसाब से बताओगे, और अकाउंटेंट्स ने पूछा है तो आप अपने बिजनेस में आई में पजल्स के अकॉर्डिंग बताओगे, और टीचर ने पूछा है तो आप अपने इस साल के रिजल्ट और अपनी स्टडी की तैयारी के हिसाब से बताओगे। पूछने वाला ने तो इन्हीं क्वेश्चन क्या होगा, अगर केवल वर्ष पे जाए तो वर्ष तो एक सेम ही के तीनों के, तीन वर्ष थे सबके, लेकिन पूछने वाले के संदर्भ अलग थे तो उत्तर देने वाले के संदर्भ भी अलग अलग हो गए। तो महावीर की वाणी तो वाणी है, लेकिन इस वाणी को समझने वाले सबके संदर्भ अलग अलग है, सबकी खोपड़ी अलग अलग है, सबके समझने का लेवल अलग अलग है। तो किसी ने किसी बात को किसी तरीके से पकड़ा, किसी ने किसी तरीके से पकड़ा, तो उन्होंने उस तरीकों पर जोर देना शुरू कर दिया। महावीर के बारे में कुछ बातें शारीरिक संयम की थी, कुछ बातें वाचिक संयम की थी, कुछ बातें मानसिक संयम की थी। कुछ लोग हैं जो शारीरिक संयम को सर्वे सर्वा मान के बैठे, वो बोलते बस तन शुद्धि करो बाकी बातें छोड़ो। अब कुछ कहते हैं तन का क्या करना, वचन की शुद्धि करो, और कुछ कहते हैं तन वचन कुछ नहीं होता, बस मन की शुद्धि करो। अब किसी ने तपस्या पे जोर ज्यादा दे दिया, किसी ने दान पे जोर ज्यादा दे दिया, किसी ने स्वाध्याय पे जोर ज्यादा दे दिया, किसी ने ध्यान पे जोर ज्यादा दे दिया, जो ध्यान से चल रहा है वो कहते हैं ध्यान से किसी बात को मार भी नहीं है, जो तपस्या से चल रहा है वो कहते हैं बस तपस्या ही सही है, तपस्या के सिवा कोई मार नहीं है, अब करोगे करोगे। तो मावी ने पहले कहा था कि मेरी वाणी के साथ ही प्रॉब्लम आएगी, मैं कहता हूँ ऐसा भी है और लोग कहते हैं ऐसा ही है, वो फर्क आ गया ना। अब जो अज्ञानी है वो कहता है ऐसा ही है और ज्ञानी कहता है ऐसा ही है। तो ये कारण है कि महावीर ने कहते हुए भी उनको फॉलो करने वाले लोग उनकी किसी बात को कभी ज़्यादा जोर देते हैं, किसी बात को छोड़ देते हैं, तो अलग अलग समुदाय रहते हैं, तो इसलिए सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, जय हिंद।